अरे बच्चों, आज हम क्लास इलेवेंथ में एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 7 एक्स दे रखा है 5, 7, 9, 10, 12 एंड 15 में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये टर्म हो गए हमारे, पद हो गए। ये फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है, क्या है 8, ये है 6, अभी 2, अभी 2, उसके आगे भी 2 और 15 का भी 6। यहां में इसको निकालना है सी एफ, क्या निकालना है सी एफ मीन संचय पारंभार्थक। कैसे करेंगे इसको, हम सीधा सीधा लिखेंगे यहां इस संख्या में, इसको प्लस करके यहां लिखना है, इसमें इसको प्लस करके यहां लिखना है, इसमें इसको प्लस करके यहां लिखना है, इसमें इसको प्लस करके यहां लिखना है और इसमें इसको प्लस करके यहां लिखना है। क्लियर हो गया, तुम्हारा एन आ गया 26। अगर हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करें तब भी हमारा ये 26 ही आएगा। क्लियर हो गया, हम संचय पारंभार्थक से निकाल लें या पारंभार्थक से निकाल लें, संचय पारंभार्थक के लास्ट में जो नंबर आता है हमारा वही नंबर इन सबको प्लस करने के बाद आएगा। ठीक है, अब उसको हम निकालेंगे माध्यक, माध्यक कैसे निकालेंगे। अब देखो एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म एन इक्वल टू 26, ये हमारा इवन नंबर है। क्या नंबर है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है ये तो एन इक्वल टू 26 इवन नंबर हो गया। जब ये इवन नंबर है तो इसका निशान हमारा लगेगा फॉर्मूला माध्यक का, लगेगा क्या लगेगा माध्यक मीडियन हो जाएगा एन अपॉन टू वहां पर प्लस एन अपॉन टू प्लस वन वहां पर बटे 2, ये हो जाएगा माध्यक का फॉर्मूला। अब इस फॉर्म इसमें लगाएंगे क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू एन 26 26 अपॉन टू वहां पर प्लस 26 अपॉन टू प्लस 1 वहां पर बटे 2, इसे कट जाएगा 13 बार, इसे कट जाएगा 13 बार, क्या हो जाएगा 13वां पद प्लस 13 14 14वां पद बटे 2। अब देखो हमें 13वां पद और 14वां पद कहां देखेंगे, हम देखते हैं संचय पारंभार्थक वाली लाइन को, किसको संचय पारंभार्थक वाली लाइन को देखेंगे कि इसमें 13 और 14 कहां आ रहा है हमारा, ये 13वां पद, ये 14वां पद। तो देखो 13 और 14 हमारे इसी में आ रहे हैं, कहने का मतलब 1 से लेके 8 तक तो यहां आ रहा है पहले में, 8 से आगे क्या 9 आएगा, 9 से लेके 14 तक इसमें आ रहा है, 15 से लेके 16 तक इसमें आ रहा है, 17 से लेके 18 तक इसमें आ रहा है और 19 से लेके 20 तक इसमें आ रहा है और 21 से लेके 26 तक 26 में आ रहा है। ठीक है, तो यार लिखेंगे 13वां पद 14वां पद 13वां पद कितना हो जाएगा, ये 14 आ रहा है, इसके पद क्या है सामने इसका 7 है, क्या है 14 संचय पारंभार्थक के आगे 7 आ रहा है, तो लिखेंगे 13वां पद इक्वल टू ये 7 आ जाएगा प्लस 14वां पद ये भी 7 हो जाएगा बटे 2 बराबर 14/2 बराबर 7, ये हो गया हमारा मीडियन।
क्या हो गया, ये हो गया हमारा मीडियन आंसर। ठीक है, अब हमको निकालना है माध्यम के सापेक्ष माध्य विचलन, एलिवेशन बाई मीडियन। क्या करेंगे, यहां करेंगे हम x माइनस एम, जो हमारा एम निकल के आया, मीडियन निकल के आया, इसको हम x में से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस के 2 आएगा 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा और 15 माइनस 7 ये 8 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम निरपेक्ष मान एक्स माइनस एम, वही तरीका है पुराना वाला, आपको यहां से ही क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान 2 माइनस निरपेक्ष मान 0 निरपेक्ष 2 ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस का, ये भी 0 होगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 8 हो गया। क्लियर हो गया, अब करेंगे हम f इंटू f इंटू निरपेक्ष मान x माइनस एम, क्या करना है, f हमारा ये है 8 का बड़ा करेंगे 2 में, 8 भी 16, 6 का बड़ा करेंगे 0 में 0 आएगा, अब 2 का बड़ा करेंगे 2 में 4 आएगा, 2 का गुणा किया हमने 3 में 6 आ गया, और 2 का गुणा किया हमने 5 में 10 आ गया, और 6 का गुणा किया हमने 8 में 48 हो गया। प्लस करेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम, क्या हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24 का 4 अंक 2, 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8, यह रहा 84 और आर एन है 26। क्या लिखेंगे, माध्यम के सापेक्ष माध्य विचलन इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू निरपेक्ष मान एक्स माइनस एम अपॉन एन, ये क्या है 84 अपॉन ये 26, 84 को 26 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, 3 से 18 एक 6 7 6 बचा 0, कौन लगा दिया 0 बना दी 26 दो 52 8 बचा 0 26 दिया 77 घटाएंगे 2 बचा 0 और 0, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 3.23, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन नंबर 8, एक्स रखा है 15, 21, 27, 30 एंड 35, एक्स रखा है 3, 5, 6, 3, 5, 6, 7 और 8, ये देखा हमें, कौन सा निकालेंगे, पहले संचय भारण बांटता सी एफ, इसको सीधा साइड करेंगे, यहां 3 में 5 जोड़ के हल करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 6 जोड़ के हल करेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 7 जोड़ा
21 हो गया और 21 में 8 गुणा 2 29 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा एन। एन हम यहां लिखते हैं, चाहे यहां लिखते हैं दोनों का एक ही होता है, तो हम यहां लिख देते हैं एन इक्वल टू 29। ठीक है, ये क्या है हमारा एन इक्वल टू 29 है हमारा ऑड नंबर। क्या है ऑड नंबर? ऑड नंबर की कंडीशन में क्या होता है फॉर्मूला माध्यक का? माध्यक हो जाएगा मीडियन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन टू। वहां पर ये होता है फॉर्मूला उसका कंडीशन में जब हमारा एन का मान और एन जो है ऑड नंबर में हो। ठीक है, क्या लगाएंगे यहां? क्या हो जाएगा मीडियन इक्वल टू एन कितना है 29, 29 प्लस वन अपॉन टू। वहां पर ये क्या हो जाएगा 30 अपॉन टू। वहां पर काटेंगे 15 हो जाएगा 15 वहां पर। अब देखेंगे संचयी वाला मात्रा में 15 पद कौन सा है? संचयी वाला मात्रा में 15 पद हमारा इसमें आएगा, इसमें आएगा 1 से 3, इसमें आएगा 4 से लेकर 8, इसमें आएगा 9 से लेकर 14, इसमें आएगा 15 से लेकर 21। तुम्हारा 15 आ रहा है इसमें 21 में, 21 की बार मात्रा है हमारी 30, यहां हो जाएगा बराबर 30। ये हो गया हमारा माध्यक। क्लियर हो गया? अब निकालेंगे हम एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या करेंगे? 15 में से 30 घटाया तो माइनस के 30 आया, 21 में से 30 घटाया माइनस के 9 आया, 27 में से 30 घटाएंगे माइनस के 3 आया, 30 में से 30 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 35 में से 30 घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा। ठीक है, अब हम आसान लाएंगे निरपेक्ष मान का एक्स माइनस एम। अब हम क्या करें, इसको सभी संख्याओं को प्लस में लिख देते हैं। क्या होगा 15 हो गया, ये 9, ये 3, 0 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां अब करेंगे हम एफ इंटू निरपेक्ष मान का साइन एक्स माइनस एम। क्या आएगा एफ मान ये रखा है और ये आ गया तो 15 3 45 हो गया, 9 का बड़ा करेंगे 3 5 में 9 5 45 हो गया, 3 का बड़ा करेंगे 6 में 6 3 18 हो गया, 0 का बड़ा करेंगे 7 में 0 हो जाएगा, 5 का बड़ा करेंगे 8 में 5 8 40 हो जाएगा। हम करेंगे यहाँ सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एन। क्या हो जाएगा 8 5 13 13 और 5 18 8, 1 1 और 4 5, 6 6 और 8 14। यह आ गया। अब निकालेंगे हम माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन। एम डी नीचे लिखेंगे रेड में एम। क्या फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स माइनस एम अपॉन एन इक्वल टू 148 अपॉन 29। डिवाइड करेंगे 148 में डिवाइड करेंगे 29 से, क्या आएगा 5 5 10 14 5 5 5 6 10 14 3 5 6 10 14 3 5 6 10 14 0 1 टाइम 100 व्यवहार ले लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा 4 आएगा, ये हो गया हमारा 5.103। उसको उठाएंगे 5.10, ये हमारा माध्यक हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है
समझ में आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।